भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा तो जरूर दिया था, पर यह कब तक साकार हो पाएगा यह अभी भी संशय में है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के जिला सूरजपुर के एक छोटे से गांव के सरपंच ने अपने गांव को छत्तीसगढ़ का पहला और पूरे देश का दूसरा डिजिटल गांव बना करके यह साबित कर दिया है कि कुछ भी करने का जज्बा अगर हो और हौसले बुलंद हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। सरपंच जी से चर्चा हुई कि क्यों ना हमारे गांव को भी हम जो है डिजिटलाइज करें, तो इसी संबंध में हम लोग फ्री वाईफाई और ये वेबसाइट के लिए हम लोग काम करना शुरू किए। शुरू शुरू में हम लोग को परेशान तो सबसे ज़्यादा फंड का हुआ था, क्योंकि हम लोग को कहीं से कोई शासन से किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिला है इस काम को करने के लिए। तो जो सरपंच जी के माध्यम से जो बाजार वगैरह की जो कर वसूली होती थी चुंगी है, उसी से जो है ये काम हम लोग शुरू किए हैं। अभी निःशुल्क वाईफाई का हमारे सिल्फली गांव के लगभग हम लोग 150 लोगों को टारगेट किए हैं कि 150 लोग को हम लोग यूजर नेम पासवर्ड देंगे। कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ ऑन प्रोसेस है, तो सारे लोग अपना जो है फ्री वाईफाई का उपयोग अभी कर पाएंगे। पहले के इंटरनेट में 2G की स्पीड रहती थी, अब 4G की स्पीड है, तो बेहतर स्पीड है। इससे पहले हम वाईफाई जैसे चलाते थे पहले, तो उसके लिए हमें पटाना पड़ा था 100-150 रुपये उसके खर्च आती थी। अभी जब से अपने सरपंच जी लगवाए हैं वाईफाई, तब से हमारी पैसे भी कम खर्च होते हैं और ढेर सारी जानकारी भी मिलती है। जनपद में भी गए, कलेक्ट्रेट में भी बैठक वगैरह में डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है और युवा साथियों से भी मार्गदर्शन मिला। एक हमारे यहाँ वेबसाइट का काम राजेश सहा जी करते हैं, वो बोले क्यों ना हम अपने गांव में फ्री वाईफाई सेवा चालू करें और ग्राम पंचायत वेबसाइट बनाएं। वाईफाई सुविधा दिया है, उसमें लगभग खर्च क्या क्या होगा? अभी लगभग खर्च 30,000 रुपये खर्च आया है। महीने में इसमें लगभग खर्च क्या जाता होगा? महीने में अपन BSNL से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए हैं, उसी से मंथली 1445 रुपये का भी नया प्लान ले रहे हैं, 1445 रुपये खर्च। जैसे अगर इसको और बेहतर करने के लिए आपको सरकार की तरफ से क्या मदद चाहिए? अगर जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ शासन से अपने को 1,00,000 रुपये मिल जाए, 1,00,000 रुपये की सहायता मिल जाएगी, तो अपन एयरपोर्ट में जो सुविधा होती है वो मेरे ग्रामवासियों को सुविधा मिलने लगी। हमारे वेबसाइट में ग्राम के जो भी अपन आय व्यय का सारे को पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम पंचायत की वेबसाइट बना हुआ है, आम लोग तक सारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके, सभी लोगों में एक पारदर्शिता ग्राम पंचायत में आए, इसके लिए अपन एक छोटा सा प्रयास किया। छत्तीसगढ़ जिला सूरजपुर का एक छोटा सा गांव सिलफिली, जो कल तक महज एक नक्शे पर दर्ज था, आज देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला हाईटेक गांव बनकर अपना एक नया पहचान बनाया है। मैं प्रकाश गुप्ता, सरगुजा छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।